नमस्कार दोस्तों, मैं गिरा हुआ। दोस्तों, पवन भैया का एक पोस्ट आया है। इनका तो सुबह सुबह एक गाना आया था, वो भी आकांक्षा दुबे जी के साथ। जैसे कि मैंने वीडियो बना रखा था कि बहुत ही बेस्ट गाना है, सबसे डांस भी बेटर, एक्टिंग भी बेस्ट करती थी आकांक्षा दुबे। आज गाना आया था सुबह सुबह, एकदम खुशी का माहौल था, किसी को पता नहीं था। एक दो न्यूज भी आया तो मालूम चला कि हो सकता है कि फेक न्यूज होगा, लेकिन ओरिजिनल कुछ और था। और जैसे ही ये माहौल इतना हुआ कि सब लोग धीरे धीरे जान गए कि आकांक्षा दुबे हमारे बीच नहीं रहे। यारा कभी किसी से हारा नहीं, ये गाना का नाम था, बहुत ही बेटर गाना चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म, क्या कहा जाए। हालांकि आकांक्षा दुबे के इंटरव्यू मैंने पुराना देखा था, उन्होंने खुद कह रखा था कि एक पवन भैया के साथ गाना हुआ है, खुद उन्होंने फ़ोन किए थे कि आओ एक गाना कर लेते हैं और आगे भी हम लोग काम करेंगे। और फिर अचानक में ये घटना हो गया, बहुत ही दुखद घटना है। धीरे धीरे मामला ये रहा है कि मामला कुछ प्यार वर के चक्कर था, फिर भी क्या बोला जाए, ये करना भी ज़रूरी नहीं था, लेकिन कुछ तो मजबूरियां होंगी उनके पास जो कि किसी के पास शेयर नहीं कर पाई। लाइव तो आई थी, बताने की कोशिश की, लेकिन दिल में इतना दर्द था कि आदमी ना आँख से आंसू आता है ना ठीक से बोल पाते हैं, बस आता है कि क्या कर लूँ। बहुत ही दुखित खबर है। उसमें अपने पावर स्टार पवन भैया का पोस्ट आया है जो कि आप सब देख सकते हैं, बहुत ही अलग रूप है। मैं कुछ भी कहने से बहुत ही सोच रहा हूँ क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। आज होती तो शायद क्या ही बोले, ऐसा भले यूट्यूब पर आकर बक बक बोल रहे हैं सारा कुछ भी, कोई रहता है तो चर्चा कहाँ होता है, लेकिन आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं। वो लाइव ही बंदी आकर बोलती तो थोड़े कोई मानता, लोग कहता कि झूठ मुठ के विवाद कर रही है, झूठ मुठ के ये कर रही है। वो बंदी ठीक से बता भी नहीं पाए, बहुत ही बेचीता मामला। खैर, दुखी तो पवन भैया भी होंगे क्योंकि उनका साथ अभी गाना आया था, गाना भी वो जाते जाते शेयर करके गई थी कि पवन भैया के साथ गाना कमिंग सून, पोस्ट भी डाला हुआ है इंस्टाग्राम पर मैंने देखा। और ये घटना हो गया, ये तो अजीब लीला है। खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी रहें इस दुनिया से अच्छा रहें, बस यही मैं कहूँगा। नमस्कार।